खिड़ी। इस समय हम मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी राजनगरी श्री धाम गोवर्धन में, जहां आज गोवर्धन पूजा का विशेष पर्व मनाया जाता है और मनाया जा रहा है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है, जहां पर हजारों और लाखों भक्त गिरिराज नगरी श्रीधाम गोवर्धन में गिरिराज पर्वत को पूजने के लिए जा रहे हैं। और मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से ही गिरिराज पर्वत को पूजा जा रहा है। और जब बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, तभी से इस गिरिराज पर्वत को पूजा जाता है। और जहाँ मान्यता है कि लाखों भक्त गिरिराज पूजन के लिए आते हैं, गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है कि जहाँ काफ़ी लोग लाखों की संख्या में आकर के गिरिराज पर्वत को पूजते हैं, दीपदान करते हैं और अन्नकूट का जो 56 भोग लगाया जाता है ठाकुर जी को, काफ़ी संख्या में लगाते हैं लोग आकर के और गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं गिरिराज जी के आगे, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि सफल हो और गिरिराज जी का पूजन करते हैं। और जो आज का विशेष पर्व है अन्नकूट 56 भोग का, तो देखा जा रहा है कि आज गिरिराज जी को दूध अभिषेक करने के लिए लाखों लोग देश विदेशों से आ रहे हैं, फॉरेन कंट्रियों से काफ़ी लोग कहीं ना कहीं गोवर्धन में आज दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, दूध अभिषेक कर रहे हैं। और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग 56 भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को, आज जहाँ पर गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा देखा जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं और जहाँ पर ठाकुर जी का जल अभिषेक करेंगे, दूध अभिषेक करेंगे, 56 भोग लगाएंगे और अन्नकूट का जो महाप्रसाद है पूरे विख्यात में प्रसिद्ध है, और जो आज गोवर्धन में अन्नकूट का विशेष पर्व मनाया जा रहा है। Oh,
नीचे से महाराज को बजाएगा। ठीक He knew that everybody Javasi is offering to Indradev. He became like very sad and didn't know like why is it my birthday? Maybe it is my birthday. My father, Nanda Baba, why are you not offering this to me? And then, so he said, we have Giriraj, and as we know, Giriraj, he doesn't. Which country is coming? I'm Russia. I'm from Russia. Name? My name is Krishna Priya Devidasi. I'm a disciple of Pujyapad Siddhanta Madhava Goswami Maharaj. How feel you are in country? Huh? Explain how country for you? Yeah, explain. Giriraj ji. Giriraj ji, what? Yeah. What to explain? Kidney time. Any kidney time. Exactly. Where are you from? I'm from Russia. I'm from Siberia. But right now I live in Vrindavan. Yeah, in Parikrama Mark, Nimuna Road, in Gopinath. Explain God, Bhagwan ke baare mein. Yes. So Krishna is Swayam Bhagavan. So we all came here to offer him our presence, our heart, and so we all, like yesterday was Deepavali, we all were celebrating this like with very like fireworks and everything, and like offering that Hare Krishna, Hare Bol. Main Brazil se aayi hu. Brazil se aayi ho. Sao Paulo. Acha, Sao Paulo. Hindi kab se jante ho? Tara maine kuch पढ़ा। अच्छा, पढ़ा है। हर बार साथी हो के अभी आई हो यहाँ पे? तो मैं एक महीने से पहले मैं भारत में आई हूँ परिक्रमा करने के लिए, ब्रजमंडल परिक्रमा। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बहुत खुशी हूँ क्योंकि आज मैं हम गिरिराज के निकट आए हैं और सारे हम हमारे प्रिपरेशन सारे कुछ कि हम जब बनाए हम गोवर्धन के लिए लाए। आपके साथ आपका परिवार आया या आप नहीं? मैं अकेली आई हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव यहाँ हैं। मेरे गुरुदेव श्रीमद भक्ति विरंज लबन महाराज। अच्छा। हम मेरे गुरुदेव हर साल ब्राजील आते हैं, जाते हैं और इसलिए मैं आई हूं। कैसा आनंद आ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, कितने आनंद, क्योंकि गिरिराज स्वयं कृष्ण है, ठाकुर जी है, स्वयं भगवान। तो हम सिर्फ भगवान के पूजा करना चाहिए। कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए। कितनी बार आ चुके हो यहाँ पे? यहाँ हमें आते हुए 2011 से आ रहे हैं हम लोग, को 11 साल हो गए हैं। 11 साल प्रतिवर्ष इसी दिन आते हो गोवर्धन पूजा के दिन? हम लोग यहाँ पे हमारे गुरुवर्ग यहाँ पे हमें पूरा कार्तिक महीना परिक्रमा कराते हैं, कृष्ण की अलग अलग लीला स्थलियों पे हम जाते हैं। आज गोवर्धन पूजा का दिन है, कैसा मना रही हैं और कैसा फील हो रहा है? गिरिराज पूजा कहते हैं सब उत्सवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्सव है गिरिराज पूजा। जैसे सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो कल दीपावली सबसे बड़ा उत्सव मनाया, पर एक भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो गिरिराज पूजा सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि गिरिराज जी से जैसे कल सब ने लक्ष्मी गणेश का पूजन किया तो क्या किया, बहुत सारी सांसारिक कामनाएं की। तो हम क्या करते हैं, एक भक्त को क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गिरिराज जी से प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे उसे संसारिक कोई वस्तु चाहिए या परमार्थिक कोई वस्तु चाहिए। तो हमारे गुरुवर्ग हमें यही बताते हैं कि हमें क्या करना। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? क्या आज यहाँ के बहुत चित्त बहुत प्रसन्न है, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग हैं और गिरिराज जी के बहुत सुंदर रूप से गिरिराज जी का अभिषेक हुआ, गिरिराज जी की पूजा हुई और सब उत्सव के जैसा लग रहा है कि ऐसा उत्सव साल में बार बार आए। तो गिरिराज महाराज की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधवी है। माधवी जी, आप कहाँ से आए आज? हम जम्मू से आए। जम्मू से आज गिरिराज नगरी श्री राम गोवर्धन में आए हैं, गोवर्धन पूजा का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन बहुत पतित पावन है, गुरुदेव के अनुग्रह में हम एक तो इंडिपेंडेंट होके आना
और गुरुदेव में अनुगत में आना ये बहुत बड़ी बात है। हम गुरुदेव के अनुगत में यहाँ पे आए हैं गिरिराज के साथ, और गिरिराज तो हर कोई इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन हमारी एक ही कामना है कि हमारे भक्ति राज में राधा रानी की सेवा में हमको देव। कितनी बार आ चुकी हैं आप अब तक? दो तीन बार पहले भी आ चुके हैं। दिवाली के दूसरे दिन ही आती हैं कि बीच में भी कभी आ जाती हैं? बीच में भी कभी कभी आ जाते हैं, तो आज तो अन्नकूट पे पहले बार आए हैं। अब कैसा लग रहा है गिरिराज जी आकर? बहुत ही आनंद, बहुत बात है ना जिसको हम वर्णन ही नहीं कर पा रहे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है।